नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम अग्रवाल और आपका स्वागत है इस वीडियो एडिटिंग सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि प्रीमियर प्रो के सारी वीडियो इफेक्ट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आज की वीडियो है इमर्सिव वीडियो फोल्डर के बारे में, तो उसको सीखने के लिए चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। जैसे अभी इमर्सिव वीडियो फोल्डर खोलोगे आपको सारे वीडियो इफेक्ट्स दिख जाएंगे। बेसिकली ये वाले इफेक्ट्स उन वीडियोस के लिए हैं जो आपके 360 डिग्री पे शूट हुआ होता है और सारे वीडियोस को स्टिच करके की वीडियो बनती है उसको एडिट करने के लिए है। बट मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज ऑन द बेसिक नॉर्मल वीडियोज जो आपका HD में या फुल HD में 4K के अंदर होती है। तो पहला हमारा इफेक्ट है VR ब्लर। अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो इसके अंदर से ब्लरीनेस बढ़ेगी, आपका ये पूरा ब्लर बढ़ जाएगा, ब्लर कम हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, आपका VR प्रॉपर्टीज को अगर आप डिसलेक्ट करोगे तो ये नॉर्मल वीडियोस के ऊपर डल जाएगा। अगर आप VR प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करोगे तो ये VR के हिसाब से आपका ब्लर कर देगा। हमारा अगला वीडियो इफेक्ट है VR क्रोमेटिक एब्रीवेशन। अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो आपको ये सारी फंक्शनैलिटी दिख जाएगी। इसके अंदर ऑटो VR प्रॉपर्टीज आपको हर एक इफेक्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल वीडियो पे डालनी है तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको VR पे डालनी है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एब्रीवेशन मिल जाएगी रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स के हिसाब से। अगर हम इसके रेड के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करें, आपका ग्रीन के अंदर इंक्रीज करें और आपका ब्लू के अंदर इंक्रीज करें, तो आपको देखेगा ये आपके सारे चैनल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट सा हो गया। अब फॉलो अप डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपका थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और आपका डिस्टेंस जो आपका ग्लिच का है वो फैल जाएगा। फॉल इन्वर्ट करोगे तो जितना आपने बाहर को फैलाया वो उतना अंदर को हो जाएगा। ये आपका बेसिकली VR चैनल के हिसाब से सारे इफेक्ट्स कर देगा। तो अगर आप VR वीडियोस पे या 360 डिग्री वीडियोस पे ज़्यादा काम करते हो तो ये वाला इफेक्ट फोल्डर आप यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा है VR कलर ग्रेडियंट। अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो आपको ऐसे 8 कलर ग्रेडियंट्स दिख जाएंगे। ये भी ऑटो VR प्रॉपर्टीज पर है। पॉइंट्स को अगर हम कम करें, अगर हम इसको कर दें 5, तो आपको 5 कलर ग्रेडियंट दिख जाएंगे। ग्रेडियंट पावर को अगर हम इंक्रीज करें तो ये ज़्यादा शार्प हो जाएगा, डिक्रीज करें तो ये सॉफ्टनेस के ऊपर चला जाएगा। ब्लेंड को अगर हम इंक्रीज करें तो ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, कम करें तो नॉर्मल जितना था पहले उतना रह जाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर कलर्स भी चेंज कर रहे हैं तो आप पॉइंट्स को अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको हर एक कलर को आप चेंज कर सकते हो, हर एक कलर का आप पोजिशन भी सेट कर सकते हो। अब ओपेसिटी को अगर हम कम करें तो, और इसको अगर हम स्क्रीन भी कर दें तो आप देख सकते हो थोड़ा लाइट इफेक्ट आ गया आपका। जैसे 8 वीडियोस जो भी हैं उसको स्टिच करके इसने अपने हिसाब से बनाया है। जितना भी आप पॉइंट्स ऑफ नंबर रखना चाहते हो उतने आप रख सकते हो, या आपके नॉर्मल वीडियोस पे भी चल सकता है। इसमें से एक आधा इफेक्ट है तो नॉर्मल वीडियोस पे नहीं चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द वीडियो इफेक्ट जो है आपके नॉर्मल वीडियोस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा है VR डीनॉइस। डीनॉइस का मतलब ये होता है कि जो आपका नॉइजी है उसको डीनॉइस कर देगा। अगर नॉइस लेवल को हम इंक्रीज करें तो जितना होगा वो थोड़ा सॉफ्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो नॉइस को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो रैंडम वैल्यू है, सॉल्ट एंड पेपर वैल्यू है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी वीडियो किस तरह से नॉइजी है, उस टॉप को किस तरह से डीनॉइज करना। अगले वीडियो इफेक्ट है हमारे VR डिजिटल ग्लिच। अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो आपको इसके ऊपर ब्लॉक की सी नॉइज दिख जाएगी या ग्लिच सा दिख जाएगा। आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्टॉर्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ज्योमेट्री किस तरह से चाहिए, आपको कलर डिस्टॉर्शन किस तरह से चाहिए, और अगर हम नॉइज के अंदर जाएं तो नॉइज स्ट्रेंथ आपको कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हो जाएगा, कम करोगे तो नॉर्मल जितना था पहले, स्केल जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। और एवोल्यूशन में ऑब्वियसली आप इसको एनिमेट कर सकते हो किसी भी हिसाब से, तो आपका की फ्रेम लगा के आप इस चीज़ को एनिमेट भी कर सकते हो। तो आपको अगर डिजिटल ग्लिच बनाना है तो आपका यहाँ पे इस वाले चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। VR प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिजिटल ग्लिच आपका बना देगा। अगला वीडियो इफेक्ट हमारे VR फ्रैक्चुअल नॉइज। अगर हम इसके ऊपर डालें तो आपको एक क्लाउडी सा इफेक्ट दिख जाएगा। अगर हम बेसिक को सिलेक्ट करें टर्बुलेंट शार्प तो अलग आ जाएगा, मैक्स करोगे तो अलग आ जाएगा, स्ट्रिंग्स करोगे तो अलग आ जाएगा। अभी हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, तो आपका इसका कंट्रास्ट अगर बढ़ाओगे तो कंट्रास्ट बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसको इन्वर्ट करोगे तो आपका पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एवोल्यूशन आपका ऑब्वियसली एनिमेशन के लिए, आप इसके अंदर की फ्रेम डालोगे तो आपका पूरा एंगल्स के हिसाब से एनिमेट होने लग जाएगा। अगर इसको आप रैंडम सीट को इंक्रीज करोगे तो आपका ये अपने हिसाब से जितना भी रैंडमली कर सकते हो उतना रैंडम करेगा। अगर हम इसको जो ब्लेंडिंग मोड है इसका कर दें स्क्रीन, तो आपको ऐसा सा ये थोड़ा यू नो ड्रीमी इफेक्ट दिख सकता है VR प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसको इन्वर्ट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसका अगर हम ओपेसिटी कम करें तो आप देख सकते हो कि आपके VR वीडियोज के ऊपर थोड़ा सा आपका ड्रीमी इफेक्ट दे सकता है, और इसको आप एज अ नॉर्मल वीडियोज पे भी यूज कर सकते हो। अगला वीडियो इफेक्ट हमारा VR ग्लो। अगर हम VR ग्लो के इसके ऊपर डालें और इसका थ्रेशोल्ड हम थोड़ा सा कर दें डिक्रीज, तो आप देखोगे ऐसा ग्लो इफेक्ट आने लग गया है। अगर इसके अंदर आपको टिंट कलर डालना है तो टिंट कलर डाल सेलेक्ट करके आप इसके अंदर कोई भी रेड कलर डाल सकते हो, तो आपके पूरा रेड हो जाएगा। अगर आप इसको ग्लो रेडियस को कम करोगे
तो रेडियस आपका कम हो जाएगा, ब्राइटनेस को कम करोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और सैचुरेशन कम करोगे तो सैचुरेशन कम हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड को हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो आपको ऐसा ग्लो इफेक्ट आ सकता है, यह भी आपका ड्रीम इफेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, बट ये वीआर प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो अगर आपको वीआर प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं तो वीआर प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है तो इसको डिसलेक्ट करके नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। अगला वीडियो इफेक्ट हमारा वीआर प्लेन टू स्फेयर, अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो आपका स्फेयर के ऊपर कोशिश करेगा आपका, अगर हम डिग्रीज को इंक्रीज करें तो आप देखोगे स्फेयर के अंदर आपका वीडियोस को डालने की कोशिश करेगा, जैसे आप वो देखते हो कि अर्थ वाला जो इफेक्ट आता है गोल सा, उस तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला वीडियो इफेक्ट हमारे वीआर प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन को इसके ऊपर डालें और स्ट्रेस टू फिल फ्रेम को अगर हम डिसलेक्ट करें और इसके अंदर हम अगर पैन प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश करें तो आपका ये पैन कर देगा 360 डिग्री के ऊपर, आप टिल्ट करने की कोशिश करोगे तो टिल्ट कर देगा और आप रोल करने की कोशिश करोगे तो इसको रोल कर देगा। तो डिपेंड्स आपको किस तरह का पर्सपेक्टिव दिखाना है अपनी 360 डिग्री वीडियोस का, तो उस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगला वीडियो इफेक्ट हमारा वीआर रोटेट स्फीयर, अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो इसके अंदर आपको तीन फंक्शनैलिटी दिख जाती है, अगर हम टिल्ट करें एक्स एक्सिस पे और पैन करें वाई एक्सिस पे और रोल करें जेड एक्सिस पे, तो आपका इस तरह से कुछ आ जाएगा। यह भी आपका प्रॉपर्टीज होता है आपको दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से अपनी वीडियो को डिस्प्ले करना है अपने एडिटिंग प्रोसेस के अंदर। अगर इन्वर्ट रोटेशन कर दोगे तो रोटेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी और डिसलेक्ट करोगे तो नॉर्मल रह जाएगी। हमारा लास्ट वीडियो इफेक्ट है वीआर शार्पन, अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो इसके अंदर और कुछ नहीं करेगा, ये आपकी वीडियो को शार्प करने की कोशिश करेगा, जितना आप करोगे इंक्रीज इस चीज़ को उतना ये शार्प करेगा और आपकी वीआर वीडियो जो है वो शार्पनेस में इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर इसको डिसलेक्ट करोगे तो आपके नॉर्मल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, आप नॉर्मल वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले इफेक्ट जो है आप नॉर्मल वीडियोज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और आपका वीआर प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे ही दूंगा। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कीइंग फोल्डर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर है इस पूरे वीडियो इफेक्ट्स फोल्डर के अंदर। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।